सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल MDR ब्लॉग को सभी प्रकार की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो गाइस, आप देख रहे हो, मैं हूं अनूपपुर रेलवे स्टेशन में, जो कि अभी लगता है कुछ टाइम तक जो है ट्रेन रुकेगी यहां। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हो, मैं आ गया हूं खूबसूरत शहर अनूपपुर, जो कि अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट है और एक जंक्शन भी है। तो आज मैं आपको अनूपपुर जंक्शन और अनूपपुर सिटी का ब्लॉग दिखाने वाला हूँ। तो अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे जब भी कोई नई वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो अनूपपुर भारतीय राज्य मध्य प्रदेश का एक जिला है, जो कि मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ राज्य से मिलता है। यह जिला 15 अगस्त 2003 को शहडोल जिले से अलग हुआ था। अनूपपुर रेलवे स्टेशन मध्य प्रदेश का अंतिम जंक्शन है। इसके बाद जैतारी वेंकट नगर स्टेशन, छोटे स्टेशन जो मध्य प्रदेश में है। वेंकट नगर कस्बा मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ दोनों राज्य के बीच बसा हुआ है। अनूपपुर शहडोल संभाग का एक प्रमुख भूभाग है और जिसका क्षेत्रफल है 3,701 किलोमीटर 1429 वर्ग में। और दोस्तों, जनसंख्या की बात की जाए तो अनूपपुर की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 7,49,521 और जनसंख्या घनत्व जो है 200 प्रति किलोमीटर है, लगभग 520 मील। साक्षरता का जो प्रतिशत है 69.08% है और लिंगानुपात 975 है। अनूपपुर की जो तहसीलें हैं पुष्पराजगढ़, अनूपपुर, जैतारी और कोतमा है। लोकसभा निर्वाचन का जो क्षेत्र है वो है शहडोल डिस्ट्रिक्ट। विधानसभा की जो सीटें हैं वो अनूपपुर, पुष्पराजगढ़। राष्ट्रीय राजमार्ग में देखा जाए तो NH 78 है। तो इस तरह से जो थी अनूपपुर सिटी की जानकारी थी। अब अनूपपुर के आदर्श स्थल में अमरकंटक, चचाई, जैतहरी, राजेंद्रराम, कोतमा, कुल्हारी प्रसिद्ध स्थल है। अमरकंटक नर्मदा नदी व सोन नदी का उद्गम तथा प्राकृतिक दार्शनिक स्थान है। उद्योग में चचाई में अमरकंटक ताप विद्युत गृह है तथा जैतहरी में मोजर वियर थर्मल पावर प्लांट वर्तमान हिंदुस्तान पावर विकसित है, जहाँ 2520 मेगावाट बिजली उत्पादन होता है। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हो, मैं आ गया हूँ अनूपपुर रेलवे स्टेशन। तो चलिए आपके साथ शेयर करता हूँ अनूपपुर रेलवे स्टेशन की जानकारी। अनूपपुर जंक्शन या अनूपपुर रेलवे स्टेशन का स्टेशन कोड APR है, जो कि मध्य प्रदेश में अनूपपुर जिले के अनूपपुर शहर में स्थित एक रेलवे जंक्शन स्टेशन है और इसमें 4 प्लेटफॉर्म है। यह दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन के बिलासपुर रेलवे मंडल के अंतर्गत आता है और यह इलाहाबाद जबलपुर खंड पर स्थित है और कटनी बिलासपुर रेल मार्ग और कटनी अंबिकापुर रेल मार्ग से जोड़ता है। स्टेशन आंकड़े की बात की जाए तो अनूपपुर रेलवे स्टेशन की जो ऊंचाई है वो 489 मीटर है, लगभग 1604 फीट। लाइनें जो है इलाहाबाद जबलपुर खंड है और संरचना का जो प्रकार है वो मानक है। प्लेटफॉर्म लगभग 4 है, पटरियां जो है 4 है, वाहन सारी चीज़ें उपलब्ध है, विद्युतीकरण हुआ है और स्टेशन का कोड जो है APR है और यह दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन के अंतर्गत आता है, जिसका मंडल जो है बिलासपुर है और स्वामित्व है भारतीय रेलवे। स्टेशन स्तर पूरी तरह संचालित है। और गाइज, अब मैं आपको बताता हूँ अनूपपुर से डेली या वीकली चलने वाली जो ट्रेनें हैं, शहडोल बिलासपुर मेमू स्पेशल जिसका कोड है 08739, बिलासपुर शहडोल मेमू स्पेशल जिसका कोड है 08740 और बिलासपुर कटनी मेमू स्पेशल, कटनी बिलासपुर मेमू स्पेशल, शहडोल अंबिकापुर मेमू स्पेशल, अजमेर वीकली एक्सप्रेस, अमरकंटक एक्सप्रेस, अंबिकापुर दुर्ग एक्सप्रेस, अंबिकापुर इंटरसिटी एक्सप्रेस और बरौनी गोंदिया एक्सप्रेस, बेतवा एक्सप्रेस। पानी वहाँ पास से पानी भी पी के आ गया हूँ। तो ये अनूपपुर रेलवे स्टेशन है, स्वच्छ रेलवे स्टेशन अनूपपुर रेलवे स्टेशन। फाइनली गाइस, अनूपपुर रेलवे स्टेशन से जो है ट्रेन वो स्टार्ट हो चुकी है और ये खूबसूरत रेलवे स्टेशन, यहाँ टावर वैगन साइड आप देख सकते हो अनूपपुर, जो कि अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट भी एक बहुत ही खूबसूरत सिटी है, बहुत सारा एक बहुत अच्छी डिस्ट्रिक्ट है। और यहाँ जो है पूरा धान की कटाई हो चुकी है, यहाँ पूरा खाली खाली ट्रेन के आसपास है। यहाँ पास एक पैसेंजर ट्रेन है नहीं, मालगाड़ी है, तो ये भी रेडी है। अरे बड़ी खूबसूरत सी पुल अनूपपुर रेलवे स्टेशन के पास। तो गाइस, ये थी मेरी आज की ब्लॉग वीडियो, अनूपपुर सिटी, अनूपपुर रेलवे स्टेशन एंड अनूपपुर जंक्शन की
जानकारी। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मैं आपसे मिलता हूँ अपनी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।